तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और बताओ, आप कैसे हो? सॉरी उसके लिए, मैंने आपको लॉन्ग वीडियो नहीं अपलोड की 1-2 दिन से, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। और बताओ, आप सभी कैसे हो? और आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया क्या, APS वाला? मैंने तो अप्लाई कर दिया है, और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं मांगा है। ओनली उसमें SSC ओनली यस करना है, और ज़्यादा OTR करा होगा ना आपने, तो वो सारी डिटेल फिल हो चुकी है उसमें ऑलरेडी। बट उसमें पैटर्न पूरा सिलेबस का चेंज हो गया है। आप एक बार देख लेना कि सिलेबस किस प्रकार उसमें चेंज हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग, मैंने जितना देखा है, तो मैं उसके लिए बता देती हूँ। तो उसमें 3 सेक्शन कर दिए हैं। पहले रिटेन वाला था हिंदी का, अब रिटेन वाला उसमें बिल्कुल भी नहीं है। रिटेन के लिए उसमें सबसे पहले अब कर दिया GS 50 नंबर का, और हिंदी 50 नंबर की, और कंप्यूटर 50 नंबर का, और 100 नंबर की डिक्टेशन होगी, और फिर उसके बाद 50 नंबर का प्रैक्टिकल कंप्यूटर टेस्ट अलग होगा। ओनली यही प्रोसेस होगी 300 नंबर की, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ये दुख हुआ है कि पहले 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी, अब 1/3 की है। तो आप इस तरीके से पढ़ें, क्योंकि UPSC का लेवल है, तो क्वेश्चन तो मॉडल लेवल के होंगे, इजी लेवल के बिल्कुल नहीं होने वाले। तो आप अच्छे से तैयारी करें, और ज़्यादातर UPGK पर पूरा ध्यान रहें, क्योंकि UP के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे। और स्टैटिक पर भी ध्यान देना, जितना कि हिस्ट्री के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, स्टैटिक GK के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान स्टैटिक GK पर ही देना। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे, तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट।